दीपावली के पावन पर्व पर लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके दीप उत्सव की तैयारी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं। इस अवसर पर महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली के इस पावन पर्व पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग अपनी घरों और दुकानों को सुगंधित फूल मालाओं से सजाते हैं। सुगंधित पुष्प पूजा का मुख्य स्वरूप होता है। फूलों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी को सुगंधित पुष्पों की माला अर्पित किया जाता है। दीपावली के पर्व पर फूलों का बाजार भी खासा गर्म दिखा। सुबह से ही बाजार में फूलों के माले को खरीदने के लिए नागरिकों का तांता लगा रहा। बाजार में बैंगनी रंगों वाली वैजयंती के फूल, नारंगी, पीले और लाल रंग के गेंदे के फूल मालाओं की खूब खरीदारी हुई। बाजार में इस बार आम और अशोक के पत्तों के माला की भरमार लगी रही। पिछले साल के मुकाबले इस साल फूलों का सीजन होने की वजह से फूलों के दाम कम रहे, जिसकी वजह से ज़्यादा मांग रही। महानगर में इस साल दीपावली में लाखों रुपए के फूलों की खपत हो चुकी है। महानगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों ने अपनी दुकानों को इन्हीं फूलों से सजाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए फूल विक्रेताओं ने कहा, अरे तू लोग ना मोहम्मद अफजाल। कितने दिन से फूल का काम कर रहा है? हो गया 15 साल। क्या मार्केट है इस वक्त? इस वक्त 30 रुपया चल रहा है, 28 रुपया चल रहा है, 25 चल रहा है। क्या वजह है इसका? वजह माल ढेर आ गया है। कहाँ से आता है? एक बनारस और कलकत्ता से। कौन से माले की बिक्री ज्यादा है? गेंदे के, गेंदा बड़ा माला। ये दीपावली का धार्मिक पर्व है, सभी लोग अपने घरों पे फूलों सजावट के लिए माँ लक्ष्मी को पूजा अर्पण करने के लिए अपने घर में सुख समृद्धि आए, इसलिए फूलों का श्रृंगार घर पे और माँ का भी श्रृंगार करने के लिए बुलाते हैं। इसलिए फूल पे ज़्यादा विशेष मत दिया था, कागज़ के फूल पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। इस तरह का मार्केट जो हमें जो हमेशा होती है, इस बार भी इसी तरह है और लोगों में उत्साह पूजा पे। ये फूल है कहाँ से आता है? बनारस से, कलकत्ता, दिल्ली से। मार्केट बहुत बढ़िया रहा? नहीं, मार्केट जैसे हर साल होती है इसी तरह है, लोग में उत्साह है पूजा पाठ और घरों को श्रृंगार करने।